फिर से आप सभी दोस्तों को सलाम। दोस्तों आज वाकई में मैं बहुत खुश हूं। आज सक्सेस डे है आप लोगों का। मैं खुद चलकर कोलकाता से आप लोगों के बीच आया हूं। जानते हैं क्यों? एक बात का डिक्लेरेशन देने के लिए। आप लोग जानते हैं फॉरएवर हमारे भारत में करीब 20 सालों से चल रहा है 20 सालों से। और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। जानते हैं क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे कंट्री नरेंद्र साहब। इन्होंने जो एक साल में करके दिखाया है, सिर्फ एक साल में, मैं आज आप सबको दावे के साथ कह सकता हूं जो आज तक 20 सालों में नहीं हुआ वो आज 3 सालों के अंदर हुआ है। 3 सालों के अंदर दोस्तों अब समय आ गया है हम सबको जाग जाना है। बहुत से लोगों को लग रहा था कि ये सूर्या सिन्हा खत्म हो गया है। क्या कहा? खत्म हो गया है, मर गया है। मगर याद रखिएगा, सूर्या सिन्हा अभी जिंदा है। कुछ समय के लिए सो जरूर रहा था मगर अब जाग गया है, आप लोगों के साथ है। मैं आप सबसे वादा करता हूं, सबसे हमारे इंडिया को आप दुनिया में नंबर वन बनेंगे। ज्यादा समय नहीं, शायद हम लोग सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर, मैंने क्या कहा, सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर दुनिया में नंबर वन बनने जा रहे हैं। और एक बात और याद रखिए, हम लोग दुनिया के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं जो अभी तक बने हैं। दोस्तों विश्वास रखिए, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आप लोगों को कहता हूं असल में फॉरएवर का समय अब शुरू हुआ है। आप अभी तक तो सिर्फ एक कैरियर प्रैक्टिस वार्म अप चल रहा था, देख रहे थे, मगर अब काम शुरू होने जा रहा है। आप विश्वास मांगे, सही तरीके से काम करना शुरू कर दें। मैं कहता हूं जो जो मेरे साथी सो रहे हैं, देख रहे हैं, वो जाग जाए, क्योंकि अब समय है खेल दिखाने का। ये अब दिखाएगा वो शख्स, वो खिलाड़ी मैदान में जब आएगा तो दिखाएगा किसमें कितना है दम, अब मालूम चलेगा। मैं कहता हूं कितने भी कंपनियां आ जाए, मैं बार बार एक बात कहता हूं, दुनिया के अंदर अगर नंबर वन कोई कंपनी है तो उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिमिटेड। दुनिया के अंदर अगर सबसे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान किसी के पास है तो वह है हम लोगों के पास, फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। अगर दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट किसी के पास है तो हम लोगों के पास, फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। और मैं कहता हूं बाहर दूसरी कंपनियों में सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं। क्या कहा? दूसरी कंपनियों में सपने दिखाए जाते हैं, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सपने साकार किए जाते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग अब अपना रिक्रूटमेंट जो है वो बढ़ा दें, साइन अप बढ़ा दें। दोस्तों इस बिजनेस में अगर कोई आपका बिजनेस जोड़ेगा ना, आपके साथ कोई जुड़ेगा, वो आपको देखकर जुड़ेगा। लोग कंपनी को बाहर देखते हैं, पहले आपको देखते हैं कि आप में कितना विश्वास है, आप में कितना जोश है। अगर आप में जोश है, अगर आप में उत्साह है, अगर आपका मोटिवेशन का लेवल हाई है, तो निश्चित रूप से सामने वाला आपसे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। सामने वाले देखते हैं कि आप उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं,
बात कैसे करते हैं और आपका कंपनी के ऊपर और कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर और मार्केटिंग प्लान के ऊपर विश्वास कितना है। जितना ज्यादा विश्वास उतने ज्यादा साइन अप मिलेंगे। जोश जुनून चाहिए, जीतने के लिए क्या चाहिए? जोश जुनून। और वो जोश जुनून तब आपके अंदर आएगा जब आपके अंदर ये विश्वास पैदा होगा कंपनी के प्रति, कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के मार्केटिंग प्लान के प्रति, सिस्टम के प्रति, अपने ऊपर, अपने अपलायन के प्रति और सबसे मेन उस परम पिता परमात्मा के ऊपर। जिस दिन आपको विश्वास होगा कि जब इस परम पिता परमात्मा ने आपको यह बिजनेस दिया है ना, तो निश्चित रूप से आपको कामयाब बनाने के लिए बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जिन्हें फॉरएवर नसीब नहीं हुआ। फॉरएवर नसीब होने के बाद कुछ लोग फॉरएवर छोड़ के चले गए। बहुत बदकिस्मत है वो लोग। मैं कहता हूं फॉरएवर उसे मिलता है जो भाग्यशाली होता है। मैं अपने आप को, मैंने क्या कहा, मैं अपने आप को भाग्यशाली ही नहीं सौभाग्यशाली समझता हूं कि फॉरएवर जैसा बिजनेस बनेगा। दोस्तों अभी असम के अंदर कई जगहों पे बाढ़ बहुत आ गई है। मेरे पास बहुत से फोन आए अपने साथियों के कि सर हम नहीं पहुंच पा रहे, हमारे यहाँ घर डूबे हुए हैं। मेरे पास यहाँ भी कुछ साथी हैं जिन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि सर हमारी टीम नहीं आ पा रही। मुझे मालूम है आज बहुत से हमारे साथी आ नहीं पाए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उस परम पिता परमात्मा की मर्जी थी, उसके हिसाब से ही सब कुछ चलता है। मगर हम आज इस फॉरएवर के जितने भी साथी हैं, मैं कोलकाता से अपनी टीम को फोन करके बार बार कह रहा था कि अपने जितने भी बिजनेस ट्रैकर्स हैं, जितने भी फॉरएवर परिवार के सदस्य हैं, जाएं जाकर उनकी सहायता करें, उनकी हेल्प करें। मुझे विश्वास है आप लोगों में से भी कुछ लोग गए थे। कौन कौन गया था सहायता करने के लिए? ईमानदारी से खड़े हो जरा, ईमानदारी से। बस सिर्फ इतना जाए, जबकि मैंने कहा तो बहुत दुख था। यहां से आपकी टीम से कोई नहीं गया? जाने वाले हैं? देखिए क्या है, हमारे साथ ये हमारे दोस्त मुसीबत में है। जब वो लोग हमारे साथ हमारी लड़ाई में साथ हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनकी मुसीबत में हम उनके साथ खड़े हों। आज अगर हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, तो कल जब हमारा समय आएगा तो हमारे साथ भी कोई खड़ा नहीं रहेगा। दोस्तों मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि असम के अंदर जहां जहां हमारे दोस्त साथी बेशक हमारे साथ जुड़े हैं या ना जुड़े हैं, आप लोग वहां पहुंचे और पहुंचकर वहां पर अपनी जो भी सहायता प्रदान कर सकते हैं करें, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से। अगर आर्थिक रूप से आपकी क्षमता नहीं है, अपना श्रम देकर वहां पर लोगों की सहायता कराए। हमारा फॉरएवर बिजनेस यही सिखाता है कि दूसरों का साथ देना, दूसरों को भी कामयाब बनाना, दूसरों को भी नीचे से ऊपर उठाना। दोस्तों अगर आप सच्चे फॉरएवर से जुड़े हैं, अगर वास्तव में आप फॉरएवर बिजनेस के साथ जुड़े हैं, तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, आप सबके साथ इस महीने कुछ ना कुछ अपने जो असम के जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है उसमें कुछ ना कुछ काम जरूर दें, ताकि जरूरतमंदों को कुछ फायदा हो सके। दोस्तों कल हमारा बहुत कुछ सीखना है हमें घंटी मैरियर के साथ, और परसों मैंने एक स्पेशल मीटिंग रखी है अपने टीम के मैनेजर्स के साथ, जो जो मैनेजर्स मेरे यहाँ आए हैं सिर्फ मैनेजर्स मैनेजर के साथ। दोस्तों इस वक्त मैंने तो ठान लिया है, मैंने क्या कहा, मैंने तो ठान लिया है आप लोग के ठान में इतिहास रचेगा, इतिहास।
परसों हमारे मैनचेस्टर एलर्ट के साथ मेरी स्पेशल ट्रेन है, किसी रिजॉर्ट में रखा गया है, हाँ किसी रिजॉर्ट में है, जो भी मेरे हमारे के मैनचेस्टर एलर्ट है जरूर आए, जरूर, क्योंकि हम परसों से क्या कहा, परसों से एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, उसका शुरुआत करेंगे परसों से। तो तैयार है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग होगी, मैं दूंगा वो ट्रेनिंग कल के दिन की निस्बत करिएगा, कंट्री मैनेजर साहब की ट्रेनिंग है, भूलिएगा नहीं, कल बहुत एक स्पेशल ट्रेनिंग है, 4 CC की ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग को मुझे विश्वास है जो जो अटेंड करेगा जरूर कामयाब बनेगा। आज सब के सब जो यहां आए हैं अपने आप से एक प्रण करें, अपने आप से दोस्तों यहां आपके जीवन को अगर कोई बदलेगा तो आप स्वयं, कोई दूसरा शख्स नहीं आएगा। ये सोलह सिन्हा आप लोगों के जीवन को बदल नहीं सकता, ना वो परमपिता परमात्मा आएंगे आपके जीवन को बदलने के लिए, आपका जीवन अगर बदलेगा इस धरती पर भी है तो आप स्वयं है, आपका अच्छा बुरा अगर कोई सोचने वाला है वो आप है, आप आज आपने मन लेना है, क्योंकि अब सही समय आया है फॉरएवर का, मैं कहता हूं बिल्कुल सही समय, इस वक्त पूर्ण विश्वास के साथ दिल में शेरकर फॉरएवर के मैदानी जंग में कूद जाए। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं आप सबकी एक बड़ी सफलता इंतजार कर रही है, सिर्फ आपको वहां तक पहुंचना है। हम लोग एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम को लेकर चलेंगे, अच्छे नीति को लेकर चलेंगे, हम स्वयं भी अपने आप को बदलेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे और अपने टीम को एक अच्छा शिक्षा देकर उन्हें भी अच्छे माह को चलाकर सही सिस्टम के साथ उन्हें कामयाब बनाएंगे। क्या तैयार है आप सभी? दोस्तों आज मैं मेरा दिन नहीं है इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। आप सबको एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।